सब मार्केट है जहाँ पे लोग जिसको मतलब जो बोल बम का जो काम होता है वो खरीदते हैं। हम लोग ये ले रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी इजी होता है, हम सब लोग यही ले रहे हैं। और ये मेरी मदर इन लॉ के लिए, ये है जल रखने के लिए जो कामर में लग रहा है। सो गाइज अभी रात के बज रहे हैं 1 और मैं ऐसे पागलों तरह यहाँ घूम रही हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रहा। और यहाँ पे देखो लोग सो रहे हैं अपना, कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग खा पी रहे हैं, जिनको जो सही लगे उधर भी लोग हैं। चाय पी पी के कप जमा कर दें कितना कप हो क्योंकि हम लोग को नींद तो आ नहीं रही है, तो सर चलो नींबू का चाय पी लेते हैं। हम दोनों यहाँ पे प्राणी आत्मा जगे हैं, बाकी सब लोग सो रहे हैं रूम में, हम लोग रूम से थोड़ा सा दूर पे हैं। तो हम लोग अभी निकल पड़े हैं जल भरेंगे एंड फिर यहाँ जल भर के फिर हम लोग जाएंगे देवघर और फिर चलते। तो गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं गंगा नदी, यहाँ पे हम लोग नहाएंगे और इतने सारे लोग हैं और यहाँ से हम लोग फिर जल भर के, इतने सारे लोग हैं भाई साहब। और रात के बज रहे हैं अभी 1:00 हो रहे हैं। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं जल भरने के लिए और यहाँ से जल लेके सीधे चलेंगे देवघर और ये है सुल्तानगंज गंगा, यहाँ से हम लोग जल भरते हैं। का संकल्प हो चुका है। सब व्यू रात के 2:30 का है क्योंकि सब लोग यहाँ जगे हैं और जल लेके अपनी यात्रा को निकल गए हैं। ओ भाई रात के इतने लोग चल रहे हैं, अब हम लोग का जर्नी स्टार्ट ही हुआ है। 120 किलोमीटर है देवघर और हम लोग को वहाँ तक मतलब पैदल ही जाना है। मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, पता नहीं मैं चल पाऊँगी कि नहीं, बट लेट मी ट्राई। बोल बम वो इंसान कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक है, वो बहुत काफ़ी चिल्ला रहा है बट तो हर जगह पोस्टर दिख जाएगा कि मतलब डायरेक्शन किधर जाना है, या फिर लिखा है बाबा धाम जाने का रास्ता, फिर सब लोग किधर जाना है। यहाँ का जो रोड है वो इस तरह का रहता है, मतलब एक साइड से मिट्टी का बना दिया जाता है जैसे कि लोग इजीली जा सके। एंड यहाँ पे देख लो आप लोग इतने सारे लोग जा रहे हैं एक साथ, बहुत लोग हैं भाई। सो गाइस हम लोग अभी 1 घंटा चल चुके हैं, हम लोग को परसों तक चलना है पैदल और खाली पैर। बस चल लोगे क्या तुम, सब चल पाओगी? हाँ, चल पाएंगे। आपको रास्ते में ऐसे ऐसे शॉप्स बहुत मिल जाएंगे जहाँ पे पानी वानी हो, जूस वगैरह का हर चीज़ हो। देखो लोग कैसे दौड़ के जा रहे हैं और ये रास्ता बना रहता है मतलब लोगों को जाने के लिए। एंड वो है तो हाईवे, वो इस पे लोग नहीं जाते। गाइज अभी हम लोग रुके हैं एक शॉप पे, छोटे से शॉप पे, वहाँ पे हम लोग चाय और पानी जो भी होता है वो पियेंगे एंड फिर चलेंगे हम लोग। पहुँच जाएंगे परसों तक, नहीं हम लोग मंडे तक पहुँच जाएंगे। पैदल जाना हम लोग को 120 किलोमीटर। तो अभी हम लोग चाय वाय पिए हैं तो फिर हम लोग इस वक्त से अपने आप को शुद्ध करेंगे एंड फिर चलेंगे। और शुद्ध कर रहा है ये देखिए, आप लोग सब लोग जा रहे हैं। एंड गाइज जैसे रास्ते में अगर आप कुछ खाओ पियो तो यहाँ पे कुछ बना रहता है स्टैंड टाइप का कि आप अपना कांवड़ को रख सकते हो।
गाइस अभी हम यहाँ पे लेंगे सॉक्स, ये पहन लिए अब हम पहनेंगे क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा दर्द रहा, कहीं छा लेना हो जाए इसी की वजह से सॉक्स पहनेंगे के बाद चलेंगे। ठीक है मतलब, लेकिन चल सकते हम लोग कुछ देर तक, चल नहीं पा रही है लड़की। बोल बम 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 बोल बम। तो गाइस अभी मैं ये खोल रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इसमें, और मुझे किसी ने बोला था कि आप ये समझ पहनेगा तो और आप चल नहीं पाओगे। सो अभी हम लोग पहुँचे हैं तिगरा, सब लोग यहाँ बैठ गए भाई, हालत पता चल रहा है। हम लोग तीन दिन तक फास्ट करके पैदल जाना है हम लोगों को 120 किलोमीटर। गाइस हम लोग की हालत खराब है, अभी 10:30 बज रहे हैं और हम लोग कॉन्टिन्यूसली चल ही रहे हैं। कंचन मेरे साथ है, बाकी सब लोग आगे हैं, भाई मैं पीछे हो गई जबकि मैं थोड़े टाइम आगे चल रही थी, अभी मैं बहुत पीछे हो गई हूँ, कम से कम 1 किलोमीटर पीछे हूँ मैं, चल ही नहीं पा रही, इतना पैर दर्द दे रहा, ये भी नहीं चल पा रही बेचारी, हम दोनों दुखी आत्मा। बाकी सबको भी आप देख सकते हो। सो गाइस अभी हम लोग रेस्ट वेस्ट करके उठ गए, अब फिर नहाएंगे एंड देन फिर अब चलेंगे क्योंकि शाम हो चुका है, तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, जब तक चल पाते चलेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए नीचे, और यहाँ पे सब लोग ऐसे सो रहे हैं, हम लोग इसी तरह सो रहे हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे नहा लिए, अब हम लोग यहाँ से सामान लेंगे और फिर अब हम चलेंगे। दिया गया है कहाँ से कहाँ तक कितना किलोमीटर है, ये कहाँ से कहाँ तक नया रास्ता है, कहाँ से कहाँ पुराना रास्ता, तो ये टोटल जानकारी आपको हमारी छोटी सी किताब बतलाएगा, जिसका कीमत रखा गया है मात्र 3 रुपए। चलो जानकारी है, हम लोग फिर से बैठ गए क्योंकि बहुत थक गए, हम लोग 1 किलोमीटर चलते फिर बैठ जाते हैं। तो गाइस अभी रात हो चुकी है और हम लोग सोने के लिए आए हैं और अब नहीं चल सकते हैं भाई, चल चल के पैर हम लोग का हालत खराब है और मेरे पैर में इतना बड़ा खोला हो गया कि हम दिखा नहीं सकते। अभी हम लोग यहाँ पे सोएंगे और सुबह में यहाँ से चलेंगे क्योंकि अब नहीं जा चला सकता हम लोग से, तो अभी अभी जिसको जाना है वो जाते हैं। यहाँ पे कांवर का पूजा करते हुए, तो गाइस इट्स डे 3 और हम लोग उठ के बोल बम बोल बम, हम लोग उठ के नहा धो के बोलो बम बोल बम, हम लोग उठ के नहा धो के रेडी हो गए, अब हम लोग जा रहे हैं, चलो 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 अब नहीं रुकना है, ठीक है। हाँ मैं और कंचन सबसे आगे चल रहे हैं, बाकी सब लोग पीछे हैं, क्या कंचन तब से हम लोग पीछे चल रहे थे बट अब हमने सोचा है रुकेंगे बिल्कुल भी नहीं और कॉन्टिन्यूसली हम लोग चलते चलेंगे, तो अब भी हम लोग सबसे आगे चल रहे हैं, बाकी सब लोग पीछे पीछे आ रहे हैं हम लोग के, क्योंकि रुक जाते ना बहुत पैदल करता है। सो वी हैव डिसाइडेड नॉट टू स्टे, नॉट टू टेक रेस्ट, तब तक हम लोग एक जगह तक पहुँच जाए। हम लोग इस ऑयल से अपने पैर का मालिश करेंगे फिर चलेंगे क्योंकि बहुत थक चुके हैं चलने पाने। जगह जगह पर जिला प्रशासन मुंगेर के द्वारा आपके स्वास्थ्य की देखभाल हेतु चिकित्सा केंद्र में स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित हैं। ये जो लोग हैं जो ऐसे सो सो के चल रहे हैं वो 3 महीने में पहुंचते हैं, हम लोग तो 3 दिन में पहुंच जाएंगे बट ये लोग 3 महीने में पहुंचेंगे। हर जगह आपको नहाने का मिल जाए तो
और ये हैंग करने का मिल जाएगा और सारा मतलब यहाँ पे पूरा जगह स्टॉल ही है आपको 120 किलोमीटर लोग करके चलते हैं भाई। सो गाइस जब ये बीच में नदी आ जाता है और हम लोगों को इसको पार करके जाना है तो उधर डांस के हम लोग उनको ज्वाइन करने वाले हैं। सो हम डांस करते हैं वीडियो बनाने के डांस कर रहे हम लोग इस पूरे पानी को पार करके वहां तक जाना है हम लोगों को वहां से लाए हैं हम लोग वहां तक जाएंगे। अरे बाप रे बाप नीचे बहुत पत्थर उत्थर है। तो सबसे मजा ना पानी में आया सच में मतलब मूड फ्रेश हो गया और पानी के नीचे एकदम पूरा वो जो कंकर बालू होता है वो था बट फिर भी बहुत रिलैक्स फील हो रहा था उसके अंदर हमें। अभी हम लोग का 60 किलोमीटर और बाकी है आई होप कल तक पहुंच जाएंगे बट लेट्स सी क्या होता है क्योंकि हम लोग को मंडे का जल चढ़ाना है। सो हम लोग ने सोचा था कि कल जल चढ़ा देंगे बट लेट्स सी क्या होता है। ये लोग हम लोग को मिल गई देखो देखो मोटी अरे मोटी बाम मोटे बाम। ये हम लोग आए थे 8 लोग अभी 4 लोग साथ हैं 1 लोग आगे हैं 1 लोग पीछे होंगे 2 लोग तो पहुंच भी गए क्योंकि वो लोग हम लोग के साथ ही चले थे बट वो लोग बहुत फास्ट चलते थे। आइए बम आइए बम नो बम ये आंटी हम लोग को मिल गई हम लोग की फ्रेंड बन गई ऐसे मिल गई थी रास्ते में। वैसे कैसे चलेगा बम जल्दी चलिए भाई बहुत दिक्कत है मेरी दीदी। आराम आराम चलो आराम आराम चलिए ठीक है आप ठीक है ना आंटी आप ठीक है ना आओ जल्दी आराम आराम से। हाँ बोल बम देखो देखो गाइस ये धर्मशाला है जहाँ पे लोग मतलब स्टे कर सकते हैं बट अभी हम लोग थके नहीं है तो हम लोग स्टे नहीं करेंगे हम लोग सीधे चलेंगे क्योंकि हम लोग बहुत स्टे कर चुके हैं बहुत लेट हम लोग यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए कुछ कुछ खाएंगे पियेंगे फिर जाएंगे। खोल रही है पॉलिथीन सब लोग चल रहे हैं अभी हम लोग बहुत एनर्जेटिक थे बट फिर भी हम लोग रुक गए क्या कंचन हम दोनों बहुत अभी चलने के मूड में थे ना ये लोग चलने के मूड में नहीं थे बट इन लोगों की वजह से हमें भी रुकना पड़ा। ये देखो ये बहुत ही हेवी होता है 5 या 10 लीटर का होगा जल ये लेके जाते हैं और ये होता है कि इसमें सब लोग चेंज करते हैं जैसे इनको ये थक जाएंगे तो दूसरा कोई लेगा वो थक जाएगा तो दूसरा लेगा। और अगर आप फलाहारी बम नहीं भी हैं तो भी जिलेबी को अवश्य खाइए एक जिलेबी ये बड़का बड़का जिलेबी बनाया जा रहा है बम की रसदार जिलेबी मजेदार जिलेबी पास्ता जिलेबी एक जिलेबी में मिजाज मस्त हो जाएगा बम। आलू को उबाल कर छील कर पका हुआ केला को छील कर मिक्स कर हम लोग फिर से यहाँ रुक चुके हैं इन सब दुखी आत्मा के साथ मैं भी दुखी आत्मा हूँ इतना ना हम तो हंस रहे हैं चल नहीं पाएंगे कल तक हम लोग को कल पहुँचना है हमको नहीं लग रहा मतलब पहुँचे तो उधर वो काम हो रहा इधर भी चल रहा है मालिश आई चल भी
हम सब चल ही नहीं पा रहे कल का जल शादी को लग पाएंगे हम लोग, परसों तक पहुँचेंगे। मैं कंचन कब तक पहुँच गई है ना, लग रहा है हम लोग परसों तक पहुँचेंगे, कल का जल नहीं जल पाएंगे। दाव दाव नदी हम चल नहीं पा रहे। के सहारे चल पा रही हूँ, अगर ये ना हो तो। ये अब हम लोग को पहाड़ पे चढ़ना है, ऐसे रोड पे चल नहीं पा रही है। इसी में मसाज होता है, मतलब गर्म पानी लग रहा है। आप लोग अपने मन से करते हैं? हाँ? अपने मन से करते हैं। और तब क्या, हम लोग अपना मन से कर रहे हैं। आप लोग इतना बड़ा धर्म कर रहे हैं। कहाँ घर हुआ आपका? हम लोग का बेगूसराय। हम लोग उठ चुके हैं और आज हमारा चौथा डे है, फोर्थ डे। अभी सुबह के बज रहे हैं 3, हम लोग निकल चुके हैं अपने रास्ते। खेती प्रारंभ, यहाँ से अब जंगल का रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। मैं नारियल पानी पी रही हूँ और लोग बहुत ही पीछे, बहुत ही पीछे, पता नहीं कहाँ। सो गाइस, बहुत कोशिश और रेस्ट करने के बाद हम फिर निकल रहे हैं और सब लोग पीछे, सब लोगों को पीछे छोड़ के हम फिर निकल लिए, क्योंकि अभी मेरे अंदर बहुत एनर्जी है और आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस जज्बा कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन लोग से हो नहीं रहा है, बहुत स्लो लोग चल रही है। और एक टाइम था कि मैं बहुत सबसे स्लो चल रही थी, बट होता ना, हर इंसान का दिन आता है। तो गाइज, ये जो दिख रहा है वो मेरी दोनों सिस्टर है और इसका हम लोग वेट पिछले आधे घंटे से, मैं ना आधे घंटे से कर रहे हैं और ये लोग आने रही है। देखो डमरू, दो डमरू मोटे बम। हे भगवान, तो सब है ये, रुक के हम सब जाए छे। गाइस, अभी मेरे पास नहीं है, बहुत दूर है, रुकिए मैं तो जूम की हूँ। ये देखिए कितना दूर है, देखो हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं। कि डमरू बम आज जय पहुँचबो है कि ना, जान तो कले चाहिए पहुँचबो तो आइए। अभी रात के बज रहे हैं 8 और हम लोग को ये नदी पार करना है। इसका नाम है, क्या नाम है इस नदी का? अभी गोरियारी नदी, और वी हैव टू क्रॉस दिस। हे व्हाट्सअप, तो आज डे 5 है और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30, क्योंकि हम लोग 3:30 बजे उठ गए थे एंड फिर भी थोड़ा सा चले हैं। अभी तो वैसे तो मैं सोची थी कि बिना मतलब कुछ खाए पिए भगवान को जल चढ़ाऊंगी, बट हिम्मत ही नहीं हो रहा, तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए एंड थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे मेडिसिन लेके, क्योंकि हमें अभी यहाँ से चलना है 12 किलोमीटर एंड फिर वहाँ पे हमें आई थिंक 5-6 घंटे लाइन में रहना है, तो इसके लिए वी नीड एनर्जी। तो हम चल रहे हैं और आज ही जल चढ़ा देंगे ट्यूजडे को। तो आज हमारा 5th डे है, मतलब 3 दिन हम लोग चले हैं आज, मतलब 4th डे हम चल रहे हैं, बाकी आए तो थे 1 दिन पहले, तो कुल मिला के हम लोग का 5th डे है। तो हम चलते हैं, ये लोग यहाँ बैठे हैं और खा पी के मेडिसिन लेके चलते हैं। अब हम आपको सीधे मिलेंगे मंदिर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय ब्लॉग। अब बस 10 किलोमीटर बचे हैं एंड वी आर सो हैप्पी फॉर दिस। हाँ, बहुत कम चलना पड़ेगा हम लोगों को।
एंड ऊपर ये सारे शावर लग रहे थे ताकि मतलब किसी तो ना किसी बेहोश हो जाए तो फिर पानी वानी बरसते रहते हैं। बाबू अरे अरे भाव पैदल चला क्या, गोद भी लिया इसको? हाँ गजब, इससे कुछ सीखना चाहिए। आपसे ज्यादा तेज वो दौड़ रहा है। हाँ बहुत। अरे 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 सो दिस इज द वे, क्योंकि ये मेन रोड है तो आधे से कार जाती है एंड इधर कारपेट बिछी रहती है तो यहाँ से लोग जाते हैं जो पैदल जिनको जाना होता है। एंड बस हम पहुँचने वाले हैं कुछ क्षणों में। कम फास्ट गाइस, बस हम पहुँच गए गंगा। बस यही मेन था, यहाँ से नहाएंगे एंड देन फिर भोले बाबा का दर्शन होगा। यहाँ पे पूरा सेवा रहता है, कारपेट पूरा कम से कम 3 किलोमीटर तक कारपेट बिछा हुआ था। इधर से लोग जा रहे हैं पूजा करके, इधर से लोग जा रहे हैं पूजा करने। बच्चे का घर हो, ये सब कुछ 50-50 रुपया में भी बेचा जा रहा है मार्केट में। तो गाइस यही है शिव गंगा, और कहा जाता है कि पहले हम लोग को शिव गंगा में नहाना चाहिए उसके बाद ही मंदिर जाएंगे। और मतलब इसी गंगा में रावण जो था वो वॉशरूम किया था, टॉयलेट किया था। ये मेन गेट है और उधर है मंदिर, यही मंदिर है गाइस, यही मंदिर गाइस वो शिव जी का मंदिर है और इधर पार्वती जी का मंदिर है। हम लोग को ऊपर से चल चल के सब मंदिर में जाके जल ढालना है उधर उधर से। हम लोग पंडित जी का वेट कर रहे हैं, हम लोग का पंडा जी तक आया ही नहीं है। बोले जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा बोले श्री विष्णु, श्री विष्णु बोल बाबा। तो अभी हम लोग संकल्प कर रहे हैं उसके बाद इसी मंदिर में पूजा करेंगे, ऊपर ऊपर चढ़ चढ़ के। इधर पूरा पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उस रास्ते में उधर तक जाना है, बहुत दूर, कम से कम 5 किलोमीटर हम लोग घूम घूम के फिर बाबा जी को पूजा करना है। हम लोग जल के साथ सिर्फ जा रहे हैं। दर्शन कंप्लीट हुआ तो अभी हम लोग जा रहे हैं बासुकी धाम के लिए निकल रहे हैं और वहाँ पे आज रात स्टे करेंगे। नहीं, वहाँ से फिर हमें यहाँ पे आना है, मतलब इस मंदिर आना है, फिर यहाँ आके स्टे करेंगे, फिर कल निकलेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बासुकीनाथ से आने के बाद आपको यहाँ भी आना पड़ेगा। सो हम यहाँ आके तो फिर हम वहाँ पे स्टे करेंगे, फिर कल चले जाएंगे। So guys, we are on the way of Basukinath.
एंड आई थिंक यहाँ से 45 किलोमीटर है एंड आफ्टर दैट वी विल बैक टू बाबा धाम. उसके बाद वहाँ पे स्टे करना है हम लोगों को आज एंड देन टुमारो हम लोग निकलेंगे. तो मैं और कंचन आगे बैठी हूँ और वो लोग कुछ लोग पीछे बैठे हैं क्योंकि आगे पतले पतले लोग बैठ सकते थे तो हम और ये बैठे हैं, बाकी मोटे लोग पीछे बैठे हैं. तो हम पहुँच गए और ऑटो उतर गए. मेरी जान मैं बहुत जल्द वापस आ रही हूँ तुम्हें खाने के लिए. बहुत तुम्हें सताया मुझे बहुत. बस थोड़ा ही दूर पे है भगवान जी का मंदिर, वहाँ से पूजा करेंगे फिर तुरंत आ जाएंगे ये सब चीज़ खाने के लिए. भाई मेरा मन से तो पता नहीं क्या क्या हो रहा. ये भी ऐसे होगा भी लोग नहा के फिर इस रास्ते से पैदल चलते आधा किलोमीटर फिर पहुँचते हैं. यहाँ पे हर है ना हर थोड़े पे टीवी लगा है और इसमें रामायण चल रहा है. यहाँ भी पैदल चलना भाई. यहाँ तो और भीड़ है, मतलब बहुत भीड़ है. कंचन तो पूरा कारपेट बिछा हुआ है एकदम. हम लोगों को मंदिर जाना है, हम लोग इधर से चल के तो पूरा कवर करके यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं. बाप रे आज वो शंकर जी का मंदिर था, ये पार्वती जी का मंदिर था. यहाँ तो बहुत भीड़ आप देख सकते हैं और ये मंदिर 6 बजे बंद हुए तो और भीड़ है. ये यहाँ का धर्मशाला है वासुकीनाथ का. यहाँ पे भीड़ देख रही है. ये सुकून यहाँ है पानीपुरी में. 4 दिन के बाद पानीपुरी खा. कंचन कैसा लगा पानीपुरी खा के? हम लोग आज बैठ के पानीपुरी खाए. दीजिए भैया. सो गाइस अभी हम लोग प्रसाद खरीद रहे. यही है बाबा धाम का प्रसाद, चूरा एंड ये इलायची दाना. और उधर से आप ले सकते हो पेरा वेरा और लहठी सिंदूर जो भी हो. उधर कच्चा धागा है. मेन जो प्रसाद होता है वो ये होता है और ये होता है इलायची दाना और चूड़ा होता है. तो हम लोग ये चीज़ें ले रहे हैं यहाँ से. तो भाई हमारा ये प्रसाद रहा.